अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स। तो फ्रेंड, आप दोस्तों के साथ एक ट्रीटमेंट का कबूतर का कर रहा था, देखते हैं कितने दिन में ये रिकवर हो जाता है। उसके बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बाकी कबूतर ये मेरा दाना खा रहे हैं। अब ये कबूतर आप देख सकते हैं बिल्कुल ढीला है। तो ये कबूतर हरी बीट कर रहा है, हरी बीट का ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कितने दिन में ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि सुबह बिल्कुल ठीक था, अभी मैं दाना दे रहा हूँ, कबूतर दाना वगैरह खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक जगह पे खड़े होकर पानी पी के एक जगह पे खड़ा होकर बैठ गया है। तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं कितने दिन का प्रोग्रेस चलता है, दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में, कितने दिन में रिकवर हो जाता है। क्योंकि हरी बीट कर रहा है तो मैंने देख ली है हरी बीट, आपको वीडियो में क्या दिखाना। तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी आपको हरी बीट का दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हरी बीट की है इसने, मैं ये दूसरे कब सूख गई है। तो ये इसका मेडिसिन वगैरह मैं देता हूँ, बाकी प्रोग्रेस देखते हैं कितने दिन चलता है। तो आप दोस्तों के साथ डे बाय डे शेयर करता जाऊँ, जब तक ये कबूतर रिकवर हो जाएगा वो आप दोस्तों के साथ में ज़रूरी शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जगह पे कोने में जाके बैठ गया, हरी बीट का जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट में, आज की इतनी, बाकी नेक्स्ट डे मिलेंगे आप दोस्तों के साथ। दिन शाम के टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कबूतर जो मैंने दवाई वगैरह दी थी वो यही कबूतर है, दाना पानी खा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल ठीक हो चुका है, मगर ये तीसरा दिन है, इसको आज भी मेडिसिन वगैरह देंगे ये मुकम्मल तैयार हो जाए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कबूतर है, तो यही वो कबूतर है जो मैंने दवाई वगैरह दी थी, काफ़ी सुस्त वगैरह था, अभी आप देख सकते हैं हेल्दी एक्टिव है। क्योंकि यही कबूतर है जो तीसरा दिन आज मुकम्मल हो गया है, क्योंकि दो दिन दवाई दी मगर इसमें थोड़ा सा ये पोट का मसला हो गया। तो मैंने दवाई इस्तेमाल की हुई थी, तो मैंने इस कबूतर के ऊपर इस्तेमाल की, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि लाइव प्रूफ के साथ आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कबूतर बिल्कुल ढीला हो गया था, हरी बीट कर रहा था और पोट भी सुझा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये हरी बीट में भी काफ़ी जो मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, और पोट का मसला हो जाता है तो वो पोट का मसला भी सेट हो जाता है। ये कबूतर उल्टी वगैरह करता है, यह कबूतर ज़्यादा उल्टी कर रहा है, उसको दाना पानी हजम नहीं होता, तो इस वजह से वो कबूतर भी सुस्त हो जाता है। तो ये दोनों मेडिसिन एक ही मेडिसिन है, आपको कबूतर जब बीमार हो या सुस्त हो या हरी बीट कर रहा हो तो ये मेडिसिन आप दोस्तों को लास्ट में आपको, अभी ये तीसरा दिन है शाम को टाइम, अभी दिया नहीं, अभी दाना पानी खा रहा है, तो इसको दे देंगे तो इंशाल्लाह ये कबूतर काफ़ी ज़्यादा फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि प्रूफ के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल एक्टिव हो गया, मगर आज भी इसको ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल सेट हो जाए। आपको कबूतर ने देख नहीं मारा, ये कबूतर मेरा सेट है, तो आपको क्या करना है, तीसरे दिन जो कबूतर जो दो वजन होता है वो उसको कंप्लीट करवा देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा कबूतर फिट है। तो अभी दाना पानी खा रहा है, बेबी पिजन को छोटे को खिलाएगा, उसके बाद जो ट्रीटमेंट करेंगे वही आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो क्या क्या मैंने कबूतर को चीज़ दी है तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी दाना पानी खा रहा है। तो जैसे दाना पानी खाए के शाम के टाइम जो मैं दवाई वगैरह दूंगा तो उसी टाइम देख के दिखाऊंगा किस तरह से देनी है। तो ये कबूतर बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जब मैं दवाई दूंगा उसके बाद भी वीडियो शूट करूंगा। तो फ्रेंड, शाम को जब दवाई दूंगा तो ये वीडियो शूट करूंगा, अभी तक इतना ही। तो फ्रेंड, ये कबूतर आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मुझे क्या देनी है ये आपको पहले मैंने दवाई डाली है, इसमें पानी वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि इसमें दवाई डाली है, तो इसको थोड़ा सा क्लोजअप कर देता हूँ। ये दवाई डाली है इसमें, क्लोजअप कर साफ़ कर दें, ये आप देख सकते हैं इसमें 2 cc दवाई डाली है, उसके बाद थोड़ा सा 2 cc या 3 cc पानी इसमें ऐड करेंगे, तो वो ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, हमने ये पानी इसमें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं 4 cc है, 2 cc मैंने क्या दे रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, आप ये नोट कर लें, स्क्रीन शॉट इसका ले लें, क्योंकि ये फिलेजल दवा है, ये काफ़ी हेल्दीफुल है। क्योंकि जब मोशन वगैरह कबूतर हरी बीट करता है, क्यों करता है, क्योंकि उनका दाना पानी अंदर से हजम नहीं है, ऐसी चीज़ खा लेती है जिसमें कबूतरों का पोट ख़राब हो जाए। इस वजह से जैसे इंसान की जब पोट पेट ख़राब हो जाता है, दस्त वगैरह नमूने होता है, तो इसी तरह कबूतरों का पेट भी ख़राब हो, इसी तरह से कबूतर का पोट भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये 3 दिन लगातार, 2 दिन में आपको, 1 दिन दोगे सुबह के टाइम आपको इसकी रिज़ल्ट मिल जाएगी। तो ये फिलेजल है, आपको क्या देनी है सिर्फ शाम के टाइम, सुबह के टाइम आप दे सकते हो, तो सिर्फ इसमें 1 cc दवाई और 2 cc इसमें पानी ऐड करके सुबह के टाइम आप सिर्फ ये देना है। और अगर शाम के टाइम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हैं सौफ है और ब्लैक गुड़, ये हम चाय के लिए नहीं इस्तेमाल, जो ब्लैक बिल्कुल काला पुराना गुड़ हो वही आपको ऐड करना है। किस तरह देना है आपको दिखा दूँ, या इस तरह से आपको ड्रॉपर ले लेनी है, सिरिंज ले लेनी है,
कैसी भी आपके पास उसके ऊपर ये ऐसा रबड़ लगा देना है। आपको कैसे देनी है वो आपको डिटेल से दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको कबूतर को देनी है। तो कबूतर आप देख सकते हैं कितना ही बुरा मान रहा है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फिट है, मगर इसको तीन दिन में ये करो, भले आपको नज़र आ रहा है ये ठीक कबूतर है, फिर भी आपको उसको दे देनी है। क्या करना, पहले इसको आपको दवाई देनी है। तो इसी तरीके से आपके सामने ये दवाई इसके गई, इसके बाद आपको थोड़ा सा आपको गुड़ देना है, ब्लैक बिल्कुल इतना लेना, ज़्यादा नहीं लेना, आपको वाजे दिखा रहा हूँ, ये इतना लेना है, ये इसके पॉट में डाल देना है। तो आपको क्या करना है, थोड़े से सौंफ बिल्कुल इतने, तो मैं सात पाँच सात दाने हो वो आपको डाल देने हैं, ज़्यादा ही चले गए तो कोई मसला नहीं है, तो उसको डाल देनी है। तो उसको छोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। तो कबूतर छोड़ता हूँ, ये रहा कबूतर, आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो चुका है, क्योंकि ये प्रोग्रेस तीन दिन में रिकवर। अगर आपके कबूतर काफ़ी ज़्यादा बीमार तो वो भी तीन दिन में रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना कि इन्फॉर्मेटिव आप वीडियो इस चैनल पे कबूतरों रिलेटेड मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।